दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अप्रैल 2023 में रियलमी की तरफ से कौन कौन से बेहतरीन स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों अप्रैल 2023 में आपको जितने भी स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से देखने को मिलेगी, एक बजट सेगमेंट की स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फुल स्पेसिफिकेशन, प्राइस रेंज, सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन की, तो आपको Realme C55 देखने को मिल सकती है। 6.72 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, MediaTek Helio G88 की प्रोसेसर के साथ आने वाली है। 6GB की RAM वेरिएंट, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। इस स्मार्टफोन में आपको 64MP की डुअल कैमरा सेटअप होने वाली है और फ्रंट में 8MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिलने वाली है। 5000mAh की बैटरी के साथ आएगी और 33W की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों लॉन्च डेट की, तो आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 13,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों पूरे YouTube पे आपको पहली चैनल देखने को मिल रही है जो कि अप्रैल में आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो आपको Realme ZTE Neo 5 देखने को मिल सकती है। 6.72 इंच की आपको AMOLED डिस्प्ले होने वाली है, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 की प्रोसेसर के साथ आएगी, 8GB की RAM वेरिएंट, 256GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। इस स्मार्टफोन में आपको 50MP की ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगी और फ्रंट में 16MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिलने वाली है। 5000mAh की बैटरी के साथ आएगी और इस स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 150W की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिलने वाली है। लॉन्च डेट की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो अप्रैल के लास्ट वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 35,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप कौन से स्मार्टफोन के लिए वेट करने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको Realme 10s देखने को मिल सकती है। 6.67 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, MediaTek Dimensity 810 की प्रोसेसर, 6GB की RAM वेरिएंट, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। इस स्मार्टफोन में आपको 50MP की डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगी और फ्रंट में 8MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिलने वाली है। 5000mAh की बैटरी के साथ आएगी और इस स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिलने वाली है। लॉन्च डेट की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो अप्रैल के सेकंड वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 15,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दिए, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की, तो आपको अप्रैल के मंथ में Realme की न्यू सीरीज देखने को मिलेगी जो कि Q सीरीज होने वाली है। Realme Q6 6.67 इंच की आपको AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है, Qualcomm Snapdragon 870 के प्रोसेसर के साथ आएगी, 8GB RAM, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। 64MP की आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगी और फ्रंट में 16MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिलने वाली है। इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है, जिसे चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स दी जाएगी। बात कर लिया जाए लॉन्च डेट की, तो अप्रैल के सेकंड वीक में कंपनी इस सीरीज को जो है लॉन्च कर सकती है। और प्राइस सेगमेंट की दोस्तों बात कर लिया जाए तो आपको अप्रोक्स 16,000 रुपीज इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने सूर्यानंद भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको सूर्यानंद भाई चैनल पे देखने को मिलती है, सब्सक्राइब कर लिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो आपको Realme V30 देखने को मिल सकती है। 6.67 इंच की आपको AMOLED डिस्प्ले होने वाली है, MediaTek Dimensity 700 की प्रोसेसर के साथ आएगी, 6GB RAM, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। 50MP की आपको डुअल कैमरा सेटअप होगी और फ्रंट में 5MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर मिलने वाली है। 5000mAh की बैटरी के साथ आएगी, जिसे चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिलने वाली है। लॉन्च डेट की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो अप्रैल के थर्ड वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। और प्राइस सेगमेंट की दोस्तों बात कर लिया जाए तो अप्रोक्स 18,000 रुपीज आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिलने वाली है।
दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी स्मार्टफोन की, तो आपको Realme V23i सीरीज देखने को मिलने वाली है। 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले के साथ आने वाली है। MediaTek Dimensity 700 की प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। 6GB की रैम वेरियंट, 128GB की स्टोरेज वेरियंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगी और 13MP की डुअल कैमरा सेटअप होने वाली है। फ्रंट में 5MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिलने वाली है। 5000mAh की बैटरी के साथ आएगी और 33W की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिलने वाली है। लॉन्च डेट की अगर दोस्तों बात कर लिया जाए तो अप्रैल के लास्ट वीक में कंपनी इस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। और प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको अप्रॉक्स 18,000 रुपीस इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए सूर्यानंद भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर लीजिएगा ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।